क्या आपको भी बार बार गले में खराश, खांसी और बलगम बनता है और आप कफ सिरप ले लेके थक चुके हैं और उसके बावजूद आपको आराम नहीं आ रहा है? तो क्या आप कहीं अपने फूड में कुछ गड़बड़ियां नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी होती हैं वो अगर हम ले रहे होते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपकी जो समस्या है उसमें आपको उसका समाधान नहीं मिलता है। जी हाँ, बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं या बलगम को ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बलगम जो होता है, म्यूकस, आपके शरीर में नॉर्मली नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि इसका काम है आपके शरीर में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे कहें धूल या फिर स्मॉग या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरसेस, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर पाएँ, ताकि आप सारे इन्फेक्शन से बचे रहें। लेकिन समस्या वहाँ आ जाती है जब बलगम ज़्यादा पैदा होने लगता है। बलगम अपने आप ज़्यादा पैदा नहीं होता है, इसके कुछ कारण होते हैं, ऐसी चीज़ें जिससे आपके शरीर में बलगम ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई एलर्जन हो गया या आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस बना हुआ है या कहीं आप बार बार कोल्ड एंड कफ के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, सडन बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, और उसी के साथ साथ आपकी जो खाने की पद्धति है, आप जो फूड आइटम्स ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से आपका बलगम ज़्यादा बनने लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं बताती हूँ कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करने चाहिए। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि अगर आप कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें हिस्टामिन बहुत ज़्यादा है, वो आपके शरीर में बलगम को ज़्यादा पैदा करता है। हिस्टामिन आपके सारे प्रोसेस्ड फूड में या पैकेज्ड फूड में या ऐसी चीज़ें जो लंबे टाइम तक शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो चीज़ें अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें हिस्टामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए होती है डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, डेयरी में केजीन प्रोटीन पाया जाता है और लैक्टोज नाम का शुगर प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली बलगम को ज़्यादा पैदा करने में सहायक होता है, बलगम ज़्यादा पैदा करने लग जाता है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करने चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा बलगम पैदा हो रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ों को लेना चाहिए, जैसे कि हल्दी वाला दूध लें, जैसे कि दही की जगह मठा लें, और रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लें और दिन के समय में लें। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपको वैसे अवॉइड ही करने चाहिए क्योंकि इसमें भी बलगम ज़्यादा पैदा होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो आपको उसमें सिट्रस फ्रूट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि आप हरी सब्जियां खाएं, आप फल ज़्यादा लें, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि वैसे तो सिट्रस फ्रूट आपकी इम्यूनिटी को इनक्रीज़ करता है, लेकिन वहीं खट्टी चीज़ें अगर आप ज़्यादा लिमिट में नहीं खाते और बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे बलगम ज़्यादा पैदा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी है, फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, लेकिन खट्टी जो हैं चीज़ों में, जैसे संतरा हो गया आपका, नींबू हो गया, या फिर केले भी अगर हम बात करें तो वो भी बलगम ज़्यादा पैदा करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है चॉकलेट्स। जी हाँ, कुछ लोगों को आदत होती है खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने की, तो हम अगर बात करें, कई बार लोग चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। चॉकलेट्स में भी आपको कैफीन की तरह, कॉफ़ी की तरह, चाय की तरह, इसमें भी बलगम ज़्यादा बनाने की कैपेसिटी होती है, बलगम ज़्यादा बनता है, तो आपको चॉकलेट भी अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप अल्कोहल पीने के यूज़ टू हैं और अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के यूज़ टू हैं तो आपको ये भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके शरीर में बलगम ज़्यादा बनता है और आपको खांसी की समस्या और आपको बलगम की समस्या, जुकाम की समस्या, बार बार नाक बहने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका जो कारण है वो है डिहाइड्रेशन, अल्कोहल से, कैफीन से, यानी कि कॉफ़ी और चाय से, या फिर अगर हम बात करें ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड लेने से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, क्योंकि पानी आपके शरीर से निकलने लगता है ज्यादा। तो अगर डिहाइड्रेशन होता है तो बलगम ज्यादा बनने लगता है आपके शरीर को हाइड्रेट करने के लिए। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है और कुछ ऐसी चीजें आपको अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी है जिससे आपका इम्यूनिटी
इम्यूनिटी बढ़े जिससे आपका बलगम कम बने। और सबसे अच्छा इसमें जो उपाय है, सबसे सस्ता और आसानी से बन जाने वाला, आसानी से मिल जाने वाला जो उपाय है वो है गर्म पानी। आप जितना हो सके ल्यूकवॉर्म वाटर लें, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, बलगम जो बार बार बन रहा है वो भी पिघलेगा और आपके मल मार्ग से या फिर खांसी से, मुंह मार्ग से आपके वो बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ चीज़ें जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाली हैं वो ज़रूर करें। दूध अगर आप ले रहे हैं तो हल्दी वाला लें, और अगर आप चाहें तो एक काढ़ा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो भी आप अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें, जिसमें आप तुलसी, शहद, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक ये सब डाल के काढ़ा बनाएं और दिन में 2 बार लें। इससे भी आपका बलगम कम बनेगा और आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको बलगम ज़्यादा बन रहा है तो, और कैसे आप बलगम से जल्दी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।